हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू नोटिस जो कि आया है एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग में, उसके बारे में। बेसिकली ये अंकों के वितरण के रिगार्डिंग में आया है, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है कि 100 मार्क्स का फिज़िकल और 100 मार्क्स का रिटर्न हो चुका है। तो उसी के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसके बारे में इस नोटिस में मेंशनड है। ऊपर की तरफ मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए, और नीचे ये महिलाओं के लिए मेंशन किया गया है। हम इसे डिटेल में चेक करेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्टली आप देख पाएंगे तो यहाँ पे टेबल में आपको शो कर रहा होगा नंबरिंग, जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर नंबरिंग शो हो रही होगी 0 से स्टार्ट होते हुए, जो कि लास्ट तक गई हुई है अगर हम देखें तो 40 तक। और सेकेंड जो कॉलम है उसमें हम ध्यान से देखें, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ इसको। ये वाला जो कॉलम है इसके ऊपर जो है 800 मीटर दौड़ का मेंशन किया गया है, 800 मीटर दौड़। और उसके नीचे जो वैल्यूज जा रही हैं वो सेकंड्स में टाइम है कि इतने सेकंड्स में आपको पूरा करना है इसे, जिस सेकंड जितने सेकंड में आप पूरा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सेकेंड जो है ये है आपका लंबी कूद का, लंबी कूद का मीटर में जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसी और रो के जो मार्क्स हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2.96 मीटर की कूद की है तो आपको एक मार्क मिलेगा, 2.96 से कम अगर आपकी कूद होती है तो 0 मार्क्स, जो फर्स्ट वाला रो में आपको शो हो रहा होगा 0 मार्क्स ये आपको मिलेंगे। आखिरी जो कॉलम है ये है गोला फेंक का, और इसमें भी अगर आप 3.83 मीटर से कम दूरी पे गोला फेंकते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कोई मार्क नहीं मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग फिर ये जो मार्किंग है वो इंक्रीज़ होते हुए जाती है, और फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मार्क्स के लिए कोई बंदा अगर 124 सेकंड्स के अंदर, काफ़ी कम है ये अगर आप इसे देखें तो 2 मिनट से थोड़ा सा कुछ सेकंड्स ही ज़्यादा है, में कोई व्यक्ति अगर 800 मीटर कंप्लीट करता है तो उसे 40 मार्क्स मिलेंगे, जो कि लगभग देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल है। लाइक ये एथलीट्स जो बहुत ही काफ़ी अच्छा करते होंगे वही इसे कर सकते हैं कि 2 मिनट में 800 मीटर करें। इसके अलावा 6.57 मीटर से अधिक की जो कूद, सॉरी 6.57 से ऊपर की जो कूद कर पाएंगे, माफ़ी चाहूँगा 6.57 नहीं है, 5.57 है, 5.57 मीटर से अधिक की जो कूद कर पाएंगे उन्हें 30 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स से वो मिलेंगे, और जो गोला जो है 8.76 मीटर से ज़्यादा दूरी पे फेंक पाएंगे उन्हें 30 मार्क्स मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए ये आप देख सकते हैं। और साथ ही गोले का वज़न भी मेंशन है, 7.26 केजी रहेगा ये, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है नीचे की तरफ। लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे, ये भी यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 3 अवसर मिलेंगे आपको, तीनों अवसर में आप इसको मैक्सिमम जो है कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है, फर्स्ट लाइक जो कॉलम है वैसे ही मेंशन किए गए हैं। ये है आपका दौड़ का, ये है आपका लंबी कूद का, और ये है गोला फेंक का। इसमें अगर हम देखें तो 0 मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे जो 261 से ज़्यादा सेकंड्स में 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करते हैं, और जिनका जो कूद है 2.04 मीटर से कम आई है, और जिनका गोला जो है 2.85 मीटर से कम दूरी पे गया हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज़ होते हुए जा रहा है। लास्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए है वो है आपका 176 सेकेंड्स के अंदर, इसे आप अगर कंप्लीट करते हैं तो 176, यानी कि लगभग 3 मिनट से थोड़ा सा कम समय आपको मिल रहा है उसके अंदर आप इसे कंप्लीट कर पाते हैं, तो ये होता है। और जो लंबी कूद है वो 4.36 मीटर से ज़्यादा आप कूद पाते हैं तो 30 मार्क्स मैक्सिमम, और जो गोला है आपका 7.20 मीटर से ज़्यादा दूरी पे फेंकते हैं तो आपको 30 मार्क्स मैक्सिमम इसमें मिल पाते हैं। गोले का वज़न फीमेल्स के लिए 4 केजी रखा गया है, और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए इसमें भी फीमेल्स को भी 3 अवसर दिए जाएंगे। तो ये वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि रिलीज़ किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को तेज़ करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि
7,500 की समथिंग वैकेंसीज आने वाली हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, जो कि काफ़ी अच्छा चांस है। और आप फिज़िकल की तैयारियों में लग जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।